गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस इस मैजिक के पीछे, तो हेलो गाइस, मनोज पेटकेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है, तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। आप वीडियो को अनकम्प्लीट छोड़ दे तो उससे आती है प्रॉब्लम, आपको नहीं पूरी जानकारी मिल पाती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं बता देता हूँ सर, आपके डिलीवरी कैसे करवाई जाए एक फीमेल से घर में ही। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये पपी है जो कि आ रहा है आपके सामने। ये पूरा पपी जब तक बाहर ना आए जब तक वेट करें। और इससे पहले मैं तीन महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ आपको जो हमें चाहिए डिलीवरी करवाते के टाइम पे। आपको चाहिए नंबर वन पे एक ब्लेड, दूसरे नंबर पे रील धागा, ठीक है जी, और तीसरे नंबर पे चाहिए शहद। तो आप जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये पपी पूरा बोल समेत बाहर आ रहा है धीरे धीरे, और खींचने की कोशिश ना करें इसे, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, एक मिनट के अंदर अंदर पूरा पपी बाहर आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये पपी बाहर आ रहा है धीरे धीरे, इसको मैं खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप देख रहे हो ये पूरा पपी ऐसे आएगा बाहर, जैसे आप देख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ऐसा आने तक का वेट करें, जैसे आ जाता है तो फीमेल के सामने से बच्चा हटा दे, और फिर आप देख रहे होंगे फेस से, तो फेस के सामने से इस बॉल को फाड़ दे, जैसे कि मैं अभी आपको फाड़ के दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो ये बॉल मैं आपके सामने फाड़ रहा हूँ, और बॉल फाड़ने के बाद आप इसको पीछे की तरफ मतलब मोड़ दे, पीछे की तरफ मोड़ने के बाद इसको निकाल दे पूरा का पूरा, और फेस को ऐसे साफ कर दीजिए हल्का सा भींच के और बहुत आराम से। और इसको करने के बाद आप इसके मुंह पे और नाक पे थोड़ा फूंक मार सकते हो तेज़ की, ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके। तो आप यहाँ से इस झिल्ली जी को उतार दीजिए, और झिल्ली उतारने के बाद आपको अब यहाँ पे यूज़ करना है धागा, ब्लेड और शहद का, ठीक है जी। तो ऐसे ये जो इसकी जेली है वो इसके ऐसे साइड में कर लीजिए, और साइड में करने के बाद आपको रील का धागा लेना है पहले, और रील का धागे को इसको बांधना है, और कितना छोड़ के बांधना है, कम से कम एक इंच। एक इंच छोड़ने के बाद आप देख रहे होंगे जैसे कि एक इंच इसमें दिख रहा होगा छोड़ा जा रहा है, और छोड़ने के बाद इसको बांधेंगे हम, ठीक है जी। तो जिसको बांधने के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, अगर आपको कभी भी पपी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ भी जानकारी चाहिए हो रिलेटिव या पपी सेल कराने हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मनोज पेटकेयर के नाम से मेरा चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्रिया पूरी हो चुकी है हमारी, मैंने पप्पी के बंधवा दिया है धागा, और धागा बांधने के बाद आप ले लीजिए एकदम फ्रेश ब्लेड, जैसे आप दिख रही होगी स्क्रीन पे, इस ब्लेड से इसको काट दीजिए। अगर काटने के बाद ब्लड आता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कोई इशू नहीं होता। और ऐसे फेस आप एकदम क्लीन करने के बाद आप सीधा इसकी मदर से इसको लिक करवाएं, जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पे मैं दिखा रहा आपको, मदर से चाट चाट के अपने बच्चे को एकदम साफ कर रही है। तो ये ज़रूर करवाए, हाँ जी। तो जैसे साफ आप हो जाए बच्चा अच्छे से, तो साफ करते करने के बाद आप इसके जो आप देख सकते हैं ये बच्चे इससे पहले हो चुके हैं, ये चार पांच बच्चे आ चुके हैं, इसने टोटली देखा जाए तो करीब वीडियो बाद में बना रहा हूँ मैं, करीब 7 बच्चे दे दिए इसने अब तक में, ठीक है जी। तो आप ये अब देखिए जैसे लिख कर जाए उसके बाद आप पप्पी के मुंह में थोड़ा सा ना शहद डाल दे, जैसे कि ऐसे हल्का सा फेस खोलना है उसका, और ऐसे शहद उसके जीप पे लगा देना है। और उसके बाद आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आप सभी की बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है भाइयों दोस्तों। तो तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत अपना करना चाहता हूँ। आप देख लीजिए बच्चे छोटे छोटे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्विट से खेलते हुए, इनकी मदर है और फादर भी है, फादर भी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये सेल के लिए आएंगे मेरे पास में। तो अभी तो मैंने इनकी डिलीवरी की वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मदर भी काफ़ी हेल्दी है और अब ठीक है, एकदम अच्छे से डिलीवरी होगी। धन्यवाद आप सभी का मेरे भाइयों दोस्तों फ्रेंडों।